नमस्कार, आज हम बनाएंगे फूलगोभी मसाला भात। ये इतने कम इंग्रेडिएंट में इतना अच्छा मसाला भात बनता है कि बहुत ही टेस्टी ऐसा ये भात बनता है, मसाला भात। तो आज हम बनाएंगे, तो चलिए इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो। हमने फूलगोभी ले लिए, इसको अच्छे से साफ़ कर लिया हमने और इस तरीके से बड़े टुकड़ों में ही हमें इसे काटना है। अभी एक पैन में हम क्या करेंगे, ऑयल ले लेंगे और ऑयल में डालेंगे ये जो हमने फूलगोभी कट कर लिया था वो डालेंगे। इसे हमें लाइट ब्राउन होने तक इसे हमें फ्राई करना है बिल्कुल, और तेज आंच पे कीजिएगा इसे। एक से दो मिनट में ये हो जाएगी। बस इसे निकाल लिया, अभी उसी में हम क्या करेंगे और थोड़ा सा ऑयल डाल के अब इसमें हम मसाले भुनेंगे। मसाले में हमने लिया है दो छोटे तेजपान, एक दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची और छोटी इलायची और तीन लौंग लिया है और तीन हमने काली मिर्च ली है। इसको हम अच्छे से होने देंगे तेल में, बिल्कुल अच्छे से भून लेना है हमें। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा डालने के बाद इसे भी अच्छे से भूनना है हमें। ये बहुत ही टेस्टी ऐसा ये चावल बनता है। अब ये हमने हरी मिर्च ली, ये तेज एकदम हरी मिर्च है, छोटी वाली जो आती है तीखी मिर्ची, वो हमने डाल दिया, और एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ। और इसको अच्छे से हम होने देंगे, बिल्कुल गुलाबी होने तक हमें इसे भुनना है। ये देखिए ये भी हो चुका है। अब इसमें हम डाल रहे हैं लहसुन का पेस्ट, बिल्कुल थोड़ा लहसुन का लिया हमने, उसको ही हमने दरदरा पीस लिया था, बिल्कुल उसका पेस्ट नहीं बनाया है। अदरक को भी हमने दरदरा ही पीस लिया है, उसे भी हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको भी हमें बस एक मिनट तक हमें इसे भुनना है। और अब हम इसमें डालेंगे हींग, अब डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है और लाल मिर्ची पाउडर। आप मसाले आपके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको तीखा पसंद है तो आप तीखा थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हो। अब हम इसमें डालें धनिया पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने दो कप हमने चावल ले लिया था, बासमती राइस ले लिया, आप कोई भी चावल ले सकते हो। इसको हमने अच्छे से धोकर रख दिया था सोक करने के लिए। अब इसे हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसे हम भूनेंगे, ये चावल को बिल्कुल हल्का सा हमें इसे भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे नमक, स्वादानुसार हम इसमें नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने क्या किया था कि दो कप हमने चावल लिया था तो हम चार कप इसमें पानी डालेंगे, तो इससे ये अच्छे से पक जाएगा। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी डालने के बाद। जब भी कभी क्या हो जाता है कि शाम के टाइम या डिनर में क्या बनाया जाता है, ऐसे समय पे आप ये ऐसे गोभी मसाला भात आप ट्राई करके देख सकते हो। अब हम इसमें डाल दिया हमने गरम मसाला और इसे हम ढक्कन लगा के दो से तीन मिनट तक इसे हम पकाएंगे। देखिए ये बॉईल होने लग गया है बिल्कुल, और अच्छे से बीच में आप चेक करते रहिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो चले, जलना नहीं चाहिए। बस इसको अभी दो तीन मिनट पहले हमने ढक के रखा था, फिर और हमने पकाया, फिर हमने थोड़ा सा पानी जब रहता है ना चावल में तभी आपको फूलगोभी डालनी है, क्योंकि फूलगोभी हमें कैसे पूरी गलानी नहीं है, मतलब फूलगोभी को, नहीं तो अगर पूरी अगर गल जाती है तो फिर वो जो हम मसाला भात बनाते हैं फूलगोभी का तो स्वाद नहीं आएगा। उसके साथ हमने मटर भी डाल दिया, ये फ्रोज़न मटर है, इसको हमने बॉईल कर लिया था और फिर बाद में इसका हमने यूज़ किया, और इसे ढक के हमने दो से तीन मिनट तक और पकने दिया। देखिए ये अभी भी थोड़ा सा पानी बाकी है, हमारा ये गला नहीं है, तो इसे हम और थोड़ा पकाएंगे। कम से कम ये चावल बनने के लिए हमें 10 मिनट तो लगता है पकने के लिए। अब हम डाल देंगे इसमें घी। घी डालने के बाद इसका जो स्वाद आता है ना, बहुत ही टेस्टी ऐसा स्वाद आता है। और ढक के हम रख देंगे दो से तीन मिनट के लिए। देखिए ये हमारा, अब इस पे डाल रहे हैं हम हरा धनिया, हमारा जो ये जो भात है मसाला भात ये पक चुका है। फूलगोभी भी देखिए बहुत ज़्यादा गलानी नहीं है हमें, इसीलिए हमने इसको ऑयल में फ्राई कर लिया था। ये देखिए ये फूलगोभी भी हमारी अभी रेडी है, बिल्कुल गली नहीं है, बिल्कुल खिली खिली सी फूलगोभी है। बस सर्व कीजिए गर्मा गर्म, ऊपर से हम हरा धनिया डाल रहे हैं, रेडी है हमारा मसाला गोभी भात। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।